ऑल इंडिया जमाते सलमानी की एक मंडल स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक 8 जनवरी 2019 को 12 बजे दिन महाराजा होटल बुद्ध बाजार मुरादाबाद में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जमाते सलमानी व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष हाजी एहसान सलमानी ने की तथा संचालन जिला अध्यक्ष मोहम्मद रफी सलमानी और राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद याकूब सलमानी ने किया। ऑल इंडिया जमाते सलमानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य जरीफ अहमद सलमानी एडवोकेट ने इस मीटिंग में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत फरमाई। इस बैठक में ये ऐलान किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया जमाते सलमानी अपने प्रत्याशी सलमानी बाहुल लोकसभा क्षेत्र में उतारेगी। ऑल इंडिया जमाते सलमानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरीफ अहमद सलमानी ने कहा कि सलमानी समाज के नेताओं को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। जरीफ अहमद सलमानी ने कहा कि आजादी के बाद से आज तक राजनीतिक दलों ने सलमानी समाज की घोर उपेक्षा की है, जिसको अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरीफ अहमद सलमानी ने कहा कि मुल्क में लगभग 4 करोड़ और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 75 लाख सलमानी मतदाता है, परंतु सभी दलों ने सलमानी समाज को छलने का काम किया है। सलमानी समाज अब काफी जागरूक हो चुका है और अब किसी दल के छलावे में आने वाला नहीं है। जरीफ अहमद सलमानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां सलमानी समाज की निर्णायक भूमिका रहती है, परंतु फिर भी समाज की उपेक्षा की जाती है, जिसको अब सलमानी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरीफ अहमद सलमानी ने कहा, इस दौर में भी अगर अपने आप को नहीं संभाल पाए तो आने वाली नस्लों को आप कोई जवाब नहीं दे पाए। हमें लोगों को ये सोचना होगा, हमारे भाइयों को ये सोचना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर सलमानी समाज की 4 करोड़ की आबादी है और अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां पर सलमानी तकरीबन 75 लाख मतदाता है वोटर, और इसके बावजूद सलमानी बिरादरी का कहीं भी किसी सरकार के अंदर कोई प्रतिनिधित्व हमें नजर नहीं आता। लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि हमारी मौजूदगी क्यों नहीं है, जबकि लोकतंत्र के ये इजाजत देता है कि यहाँ पर वोटों की गिनती होती है। जहां जिसकी कोई सा भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी ले लें, समाजवादी पार्टी ले लें, बहुजन समाज पार्टी ले लें, दीगर जितनी भी पार्टियां हैं, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने सलमानी समाज के मान सम्मान की रक्षा की हो। सिर्फ खोखले वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं। हमें देखना यह है कि इन झूठे वादों को अब हम सहन नहीं करेंगे। सलमानी बिरादरी के लिए हम संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोगों ने राजनीति में कदम नहीं रखा तो हम अपने आने वाली नस्लों को जवाब नहीं दे पाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टी सलमानी समाज को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी, उसी पार्टी को चुनाव में समर्थन दिया जाएगा। अगर किसी भी पार्टी ने सलमानी समाज को टिकट नहीं दिया, तब मजबूरी में मुजफ्फरनगर में होने वाले सम्मेलन में लोकसभा चुनाव के संबंध में विचार विमर्श कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर शफीक अहमद सलमानी ने इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हम आगे बढ़ाए और इंशाल्लाह हमें खुशी है जब भी बरादरी के लिए अगर किसी भी तरह का कोई बात होगी, जरीफ अहमद सलमानी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर रात के 12 बजे भी आवाज देंगे इंशाल्लाह, तो हम बरादरी के बाद जाएंगे। युवा जमाते सलमानी के प्रदेश अध्यक्ष हकीम मोहम्मद जमाल सलमानी ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज जो ये मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग में जो एजेंडा है, इस एजेंडे को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इसमें निर्णय लिया और जिस तरीके से इन बयानों को पेश किया है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये बयान नहीं रहेंगे, ये हकीकत बन जाएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और इसी के साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक शहर कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। साथियों, आज अगर हम ये बात करें कि हिंदुस्तान के अंदर सब में ज्यादा संख्या, सब में ज्यादा अक्सरियत किसी की अगर है, तो मैं मान लेता हूं बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो कि हमसे ज्यादा अक्सरियत में हैं। बैठक को हजरत मौलाना कारी मुबीन उद्दीन सलमानी, शरीफ अहमद सलमानी, फिरोज अनवर सलमानी,
इब्राज सलमानी, मोहम्मद शाहिद वारसी सलमानी, बिजनौर के जिला अध्यक्ष हाजी जहीरुद्दीन सलमानी, राष्ट्रीय सचिव जफर इकबाल सलमानी एडवोकेट, डॉक्टर शाहिद सलमानी, डॉक्टर मोहम्मद अकरम सलमानी आदि ने भी संबोधित किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जरीफ अहमद सलमानी एडवोकेट के विचारों का पुरजोर समर्थन किया। बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ऑल इंडिया जमाते सलमानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरीफ अहमद सलमानी एडवोकेट ने बताया, हमारा उद्देश्य है कि सलमानी समाज जो बहुत अच्छी तादाद में है मुरादाबाद लोकसभा सीट पर, खासकर हम चाहते हैं कि मुरादाबाद लोकसभा सीट से सलमानी समाज को प्रत्याशी बनाया जाए लोकसभा के चुनाव में, और 20 से 25 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां सलमानी समाज निर्णायक भूमिका में है, लेकिन अफसोस इस बात का रहता है कि हर वक्त जब भी चुनाव आते हैं राजनीतिक पार्टियाँ चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे प्रति गंभीर नहीं होती हैं, सिर्फ खोखले वादे करती हैं। हमारा मिशन यह है, हमारा पर्पस और मेन मकसद यह है आज की ये खसूसी मीटिंग का कि हम समाज के लोगों को जागरूक करने के बाद उसी दल को समर्थन करेंगे जो दल अब सलमानी समाज को राजनीति में बराबर की भागीदारी दे। यानी आपने किसी दल से बात की है, किस दल से टिकट चाहते हैं आप? हमें कोई सा भी दल हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों में आपकी कांग्रेस पार्टी है, पहली प्राथमिकता है कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है, और यहाँ तक कि अगर बीजेपी भी सलमानी समाज को टिकट देगी तो सलमानी समाज बीजेपी का ही साथ देगा। तो आपने सिलसिले में अपना एजेंडा इन पार्टियों के, हमारे राहुल गांधी से पहली नंबर पर राहुल गांधी से बात हो रही है और राहुल गांधी की तरफ से हमें आश्वासन भी मिला है कि कांग्रेस पार्टी सलमानी समाज को सम्मानित करेगी, सलमानी समाज का पूरा सम्मान करेगी, हितों की रक्षा करेगी। पहले भी राहुल जी ने हमें बताया कि 4 सलमानी लोगों को चेयरमैन बनाया जा चुका है, कांग्रेस पार्टी की ही देन है। तो इसलिए हमारी भी प्रायोरिटी यह है, हमारी भी प्राथमिकता यह है कि पहले कांग्रेस से बात की जाएगी। हमारे राहुल जी से बातचीत चल रही है, अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकजुट होकर सलमानी बिरादरी उसी को चुनाव। इस दौरान डॉक्टर मोहम्मद मुबीन सलमानी, अब्दुल सत्तार सलमानी, सरताज सलमानी, जयप्रकाश सिंह, साबिर सलमानी, राकिब सलमानी, अकबर सोनी सलमानी, हाजी नसीम अहमद सलमानी, इरफान सलमानी प्रधान जी, मास्टर वली अहमद सलमानी, जाबुल सलमानी, नवाब अली सलमानी, डॉक्टर अकबर सलमानी, इलियास सलमानी, असलम सलमानी, भूरे सलमानी, लतीफ सलमानी, रियासत सलमानी, इस्लाम सलमानी, मोहम्मद अनीस सलमानी, नब्बू सलमानी, रफीक नेताजी, सईदुद्दीन सलमानी, अजीज सलमानी, कब्रुद्दीन सलमानी, हाजी जाहिद सलमानी और नई दिल्ली से आए सत्तार सलमानी आदि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अन्य मेहमानों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया गया। वरिष्ठ खबरनवीस सैयद मोहम्मद हाशिम की इस मौके पर ऑल इंडिया जमाते सलमानी की तरफ से गुलपोशी करके इज्जत अफजाई की गई और उनकी खिदमत का एतराफ किया गया। आखिर में हाजी मोहम्मद एहसान सलमानी ने सबका शुक्रिया अदा किया।